ऐसा लाल यादव हीरो नहीं है? हाँ हये वाला हीरो हुआ है, देख लीजिएगा हये हीरो हुआ है, हये हीरो हुआ है, राजा गिफ्ट अनोखा दिया है, हये है, ये है। अच्छा, एक बावरी उसका है हई वाला है, एक बावरी उसका हई वाला है, हई वाला है। स्टाइल है खेसारी लाल का। आधा से ज्यादा लोग यूट्यूबर करे हुए नजर उठा के देखी इंस्टाग्राम वाला के फेसबुक वाला सब कौन के साड़ी पहनवा दलन आ नाइटी पहनवा दलन सब लोग मऊगाई करे लागल। ये कलकारी हो जब मर्दो के मऊगा मऊगावत रही तो पब्लिक का दिल जीतते है भाई मऊगाई कह के कोई से बताई की कोई से जीता नहीं रे ई जोहरिया जुदाई के पियतानी रे अरे तू जइबू ससुरा। पावर स्टार पवन सिंह को मानते हैं कि खेसारी लाल यादव को मानते हैं? पावर स्टार, पावर स्टार तो पावर स्टार नहीं है, वो है टावर स्टार। अच्छा। आ ट्रेंडिंग स्टार नहीं है, ये है कुकुरवा स्टार। अच्छा, हमसे ऐसा बोला डर नहीं लग रहा है? काहे के लिए डर लगेगा? अच्छा काम करेंगे तो कोई अच्छा कहेगा। मनीष कौशल भैया है, कोई भी उनको अगर वोटिंग किया जाए तो 85% वोट उनको मिलेगा। वो तो है ही। अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम कीजिएगा तब ना कोई नाम लेगा। अभी लोग कहाँ करता है दोनों आदमी एके में, पावर एक जी से शुरू होला एक जी खत्म होला, गुरु के मानी ले जानता के मानी ले बाकी लोग हमारे हो ये हो हानु। ये पवन सिंह बोलते हैं। हाँ तो एक आदमी बोलता है का कि हम 9 महीने पर सोहर गवा दे, हर 9 महीने पर सोहर गवा दे, कुकुर के जरा तोरा दोनों आदमी आपसे में लड़ते रहता है। अच्छा, कब बोलता है कि मुर्गिया आरा के ही है तो कहते हैं कि छापरा के ही है। अच्छा, तो दोनों भाई है तो भाई की तरह रहेगा तब ना कोई सपोर्ट करेगा। कुकुर की तरह लड़िएगा तो कोई अच्छा कहेगा? मतलब आपस में लड़ जाते हैं। हाँ हाँ, तो आप इन लोगों को नहीं मानते? नहीं, ये किनको मानते हैं? भोजपुरी में अगर कोई कलाकार अच्छा है तो सबसे पहले नीलकमल जी, कल्लू जी, रितेश पांडे, ये सब लोग अच्छे हैं, विवाद में नहीं रहते हैं, अपना काम से काम रखते हैं। लेकिन पहले स्टार यही दोनों हैं। स्टार हैं कुकुरवा स्टार हैं, अच्छा स्टार नहीं है। खेसारी लाल यादव के काफी लोग दीवाना है, आप बोल रहे हैं कि कुकुरवा? अरे वे सब होगा जब खेसारी लाल हीरो है। हाँ। वो हीरो है। खेसारी लाल यादव हीरो नहीं है? हाँ हये वाला हीरो हुआ है, देख लीजिएगा हये हीरो हुआ है, हये हीरो हुआ है, राजा गिफ्ट अनोखा दिया है, हये है। एक बावरी उसका है हई वाला है, एक बावरी उसका हई वाला है, हई वाला है। स्टाइल है खेसारी लाल का। भोजपुरी में जब सोलन तब से सारा छवारिक सुन के मऊगा के बिक दल तब सब लोग के मऊगा ही सिखा दल। आधा से ज्यादा लोग यूट्यूबर करे हुए नजर उठा के देखी इंस्टाग्राम वाला के फेसबुक वाला सब कौन के साड़ी पहनवा दलन आ नाइटी पहनवा दलन सब लोग मऊगा करे लागल। ये कलकारी हो जब मर्दों के मऊगा मऊगावत रही तो पब्लिक का दिल जीतते है भाई मऊगाई कह के आलोक के मऊगा के साड़ी पहन के दिल। और वीरेंद्र सिंह वीरेंद्र गिरी के जब बोलू सुदर्शन यादव कहले बड़न वीरेंद्र गिरी से जे बाबा रहुआ इहे गाई ले आई ले जाई ले आ लोइकनों के ओढ़नी ओढ़वा के मऊगाई रहुआ सिखाई ले इहे गाई ले खूब गाई ले मने ये सब कुल एती हो कलाकारी हो। पावर स्टार पवन सिंह है ना भाई? वो पवन सिंह अच्छा डांस भी मैंने थोड़ा बहुत कर लेते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन पवन सिंह का मैं विरोध सिर्फ इसलिए करता हूँ कि वो लोग दोनों आदमी आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए विरोध करते हैं। इसीलिए विरोध करते हैं। मिलकर अगर रहेंगे तो हम कभी भी विरोध नहीं करेंगे। भाई भाई अगर दोनों कलाकार है तो दोनों भाई हुआ बिल्कुल, तो भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाई से विरोधी नहीं करना चाहिए, भाई से मिलजुल कर रहना चाहिए। आप किनको देख कर सीखते हैं ये बताइए? देखिए हमारा एक अलग सोच है, हमारा सोच ये है कि हम किसी का नकल नहीं करेंगे, हम इस प्रकार करेंगे कि ये दुनिया हमारी नकल करे। दुनिया आपकी नकल करे जी, आप किसी का नकल नहीं करते? नहीं। अच्छा, लाल बिहारी के गाने का काफी लोग इंतजार कर रहे थे, एक गाना हो जाए। कल्पना का गाना है बिल्कुल, कि नाला के होता सफाई आ देखी काम लागल बा, अरे नाला के होता सफाई आ देखी काम लागल बा, तो पीछे से आवा बोलम वहाँ आगे जाम लागल बा। आवाज क्लियर नहीं है मगर थोड़ा एक और गाना हो जाए लाल बिहारी जी, कि कोई से बताई कि कोई से जीता नहीं रे ई जोहरिया जुदाई के पियता नहीं रे, अरे तू जइबू ससुरा हम जाइब शमशान रे, आ मऊत के सीन देखी दुनिया जहान रे। इसी प्रकार से वो गाते हैं। उनको तो आप मऊगा स्टार बोल दिए लेकिन उन्हीं के आप गाना भी गा रहे हैं, आपके जिक्र करने पे गाए। अच्छा, हमारे जिक्र करने पे गाए जी जी। तो कहने तो कहीं पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव के नहीं मानते हैं, ये मानते हैं नीलकमल सिंह को, रितेश पांडे को और विनय कलाकर जी को जी।
उन लोग में आपको मतलब कुछ अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है, वो डायलेक्ट गाना अच्छा गाते हैं, बढ़िया गाते हैं, सबसे मिलजुल, सबसे पहले कलाकारी एक तरफ, सबसे पहले मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए बिल्कुल, आपके बातों से, इनके बातों से कि आप लोग कितना सहमत हैं, जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। और लाल बिहारी जी कितना तक सही बोले हैं पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में, ये भी आप लोग कमेंट जरूर बता दीजिए।